स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को 8 नवंबर 1927 को अपॉइंट किया गया था। ये अपने समय से 2 साल पहले इसको अपॉइंट कर दिया गया था। इसका क्या कारण था, आप लोग जानते हैं। 1919 में भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, ये आया था। इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव हैं। ये परिवर्तन क्यों होने थे, क्योंकि 1919 में जो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड एक्ट आया था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि डायार्की सिस्टम इसमें लाया गया था। इस डायार्की सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, यानी कि भारतीय भी द्वैध शासन, मतलब इस द्वैध शासन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस द्वैध शासन में क्या क्या कमियां हैं, इसका रिव्यू करेगी एक कमेटी जिसे 10 साल बाद लाया जाएगा। वो 10 साल होते 1929 में, लेकिन इसको 2 साल पहले ही ला दिया गया, क्योंकि इस समय ब्रिटेन में 1929 में इलेक्शन होने थे। तो इस समय जो पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, इसके खिलाफ लड़ रही थी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का स्टेटस बहुत अच्छा था। अब कंजर्वेटिव पार्टी को भी ये दिखाना था कि हमने भी कुछ अच्छे काम किए हैं, तो ये अच्छा काम शो करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया कि साइमन कमीशन अपॉइंट किया, जो कि मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड एक्ट 1919 का रिव्यू करेंगे भारत जा करके। तो इसलिए इसको 2 साल पहले अपॉइंट कर दिया गया। इसके चेयरमैन बनाए गए सर जॉन साइमन। इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स रखे गए, जिनको हेड किया सर जॉन साइमन ने। इसमें सभी ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और क्लीमेंट और सर जॉन साइमन के अलावा इसके 6 सदस्य थे, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉशन, एडवर्ड कैडोगन, बर्नॉन हार्टशॉन, जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड हावर्ड। साइमन कमीशन को क्यों फॉर्म किया गया था, जैसा कि मैं अभी बताया मैंने अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सेड दैट अ कमीशन वुड बी सेट अप आफ्टर 10 ईयर्स टू रिव्यू द वर्किंग एंड प्रोग्रेस मेड ऑन द मेजर टेकन थ्रू एक्ट। तो अभी मैंने बताया जैसा कि 1919 के एक्ट में जो सुधार किए गए थे, जो यहाँ एक्ट लागू किया गया था, इसमें जो मेजर्स थे, इनका रिव्यू करना था कि कार्य में कितनी प्रोग्रेस हुई है। टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया था, इसके अंतर्गत भारत ने कितनी प्रोग्रेस की है, भारत की कंडीशन क्या है, ये पता करने के लिए इस कमीशन को फॉर्म किया गया था। वाई दिस कमीशन केम बिफोर 10 ईयर्स, व्हाट्स द रीज़न। इसका शेड्यूल टाइम था 1929। ये कमीशन 1929 में आना था, क्योंकि 1919 के एक्ट में ये पॉइंट रखा गया था कि 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, इसलिए ये 1929 में आना था। लेकिन ये इससे 2 साल पहले ही आ गया। इसका क्या रीज़न था, इलेक्शंस वर इम्पेंडिंग इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में उस समय इलेक्शन होने थे 1929 में। द कंजर्वेटिव पार्टी लेड गवर्नमेंट इन यूके फियर्ड ऑफ थॉट कॉम्पिटिशन फ्रॉम द लेबर पार्टी इन इलेक्शन टू बी हेल्ड। लेबर पार्टी से ये कंजर्वेटिव पार्टी डरी हुई थी कि इसकी लेबर पार्टी की जो पोजीशन है आज हमारे से स्ट्रांग है, हमारे से साउंड पोजीशन में लेबर पार्टी है, हमारे पास ऐसा बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि जिसे हम बता करके कि हमने ये अच्छा काम किया है, हम अपनी पार्टी को जीत
सुनिश्चित करा सकें। इसके लिए इस कंजर्वेटिव पार्टी ने भारत की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए ये शो किया कि हम साइमन कमीशन बैठा रहे हैं और इससे हम भारत की स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे, जो वहाँ पर हमने जो 1919 में एक्ट लाया था उसमें और सुधार किए जाएंगे। इस तरीके से शो करके ही अपनी पार्टी की रेपो बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए इसको 2 साल पहले ही अपॉइंट कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने कमीशन तो फॉर्म कर दिया, लेकिन इस कमीशन का भारत में पुरजोर विरोध हुआ। इसके क्या रीज़न थे, क्या प्रॉब्लम थी साइमन कमीशन में, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इसमें प्रॉब्लम थी कि इसमें जितने भी मेंबर्स थे ऑल वर वाइट्स, सभी अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया था। नो इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द कमीशन। तो भारतीयों का कहना था कि हमारे भाग्य का विधाता ब्रिटिशर्स कैसे हो सकते हैं, ब्रिटिशर्स हैव नो राइट टू डिसाइड अवर डेस्टिनी, हमारे भाग्य को निर्धारित करने का ब्रिटिशर्स को कोई अधिकार नहीं है, हमारे बारे में डिसीजन लिया जा रहा है तो इसमें हमारी दिक्कतों को बताने के लिए, हमारी परिस्थिति को भली प्रकार समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और वो कौन होगा, कोई भारतीय ही होगा, ब्रिटिशर्स हमारी परिस्थिति नहीं समझ सकते तो ये हमारे भाग्य विधाता कैसे हो सकते हैं, ऐसा भारतीयों का कहना था। और क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था, सभी ब्रिटिशर्स थे, सभी वाइट्स थे, इसलिए इस कमीशन का भारत में विरोध किया गया। अब भारत में इस कमीशन को किस किस ने अपोज किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मद्रास सेशन में, जो कि 1927 में हुआ था, इसको अपोज करने का निश्चय किया कि हम इसको बायकॉट करते हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग, जिसे कि मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे, इन्होंने भी साइमन कमीशन को बायकॉट करने का निश्चय किया। लेकिन वहीं मुस्लिम लीग का एक छोटा ग्रुप जिसे मोहम्मद सैफी लीड कर रहे थे, इन्होंने इस कमीशन को सपोर्ट किया, और इसके अलावा साउथ की जस्टिस पार्टी ने इस कमीशन को सपोर्ट किया। अब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचता है, भारत में बंबई पहुंचता है, और यहां पर जैसा कि प्री डिसाइडेड था, INC और मुस्लिम लीग के लोगों के आह्वान पर इसका लार्ज स्केल पर विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और इसे काले झंडे दिखाए गए और नारे लगाए गए इसके खिलाफ, और इसमें फेमस नारा था साइमन गो बैक। अब बड़े स्केल पर इसका विरोध हो रहा है तो पुलिस ने सभी जगह लाठीचार्ज किया। लखनऊ में इस आंदोलन को जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत लीड कर रहे थे, वहीं लाहौर में लाला लाजपत राय इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। अब इस आंदोलन में जब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया तो लाहौर में लाला लाजपत राय को चोटें तो सभी नेताओं ने खाई थी, लेकिन लाला लाजपत राय को कुछ घातक चोटें आ जाती हैं, और उन चोटों के चलते लाला लाजपत राय की दिसंबर 1928 में मृत्यु हो जाती है। अब इतने बड़े स्केल पर विरोध के बावजूद भी कमीशन अपना कार्य करता है। कमीशन अलग अलग प्रोविंसेस में जाकर लोगों से मिलता है, लीडर्स से मिलता है, और उनके व्यूज़ जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और ये प्रॉमिस करते हैं कि हर एक तबके के लोगों की सुनी जाएगी, और इस रिपोर्ट में उनके हितों को ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और सबसे उनकी जो मांगे हैं वो मांगी जाती हैं। इसी श्रेणी में B.R. अंबेडकर ने एक रिपोर्ट अपनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की तरफ से, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी बम्बई प्रेसिडेंसी की, उनके एजुकेशन से संबंधित जानकारी इसमें देकर के, मांगे इसमें देकर के, एक पत्र B.R. अंबेडकर ने साइमन कमीशन को सौंपा था। साइमन कमीशन ने सबकी रिकमेंडेशंस लेकर के अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस थी, वो क्या थी, इन्होंने कहा, सर्वप्रथम
एबॉलिशमेंट ऑफ डायर्की, यानी कि प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 के एक्ट द्वारा लागू कर दिया गया था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस यानी कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि ब्रिटिश इंडिया जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर इंडियन स्टेट्स हैं वो, और प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट मतलब देसी राज्य जो हैं, प्रिंसली स्टेट्स मीन्स देसी राज्य जो हैं, उनको मिलाकर के एक संघात्मक व्यवस्था की जाएगी, फेडरेशन बनाई जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया। और लेकिन इन्होंने इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू रहेगी, जो इसमें इन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल की नीति के अंडर 1909 से स्टार्ट किया था, वो इसे इन्होंने समाप्त नहीं किया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को, ये इन्होंने कहा कि ये कंटिन्यू रहेगी। और इसके अलावा इसमें ये भी पॉइंट्स रखे गए साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कि केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाएगा, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाएगा, बर्मा को भारत से अलग किया जाए और उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए, प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, गवर्नर और गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के लिए विशेष ध्यान रखे, और हर 10 वर्ष में जो पुनरीक्षण के लिए एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया जाए, और भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बने जो स्वयं से ही विकसित हो। अब साइमन कमीशन की नियुक्ति से भारतीय दलों में आपसी फूट और मतभेद की स्थिति से उबरने एवं राष्ट्रीय आंदोलन को उत्साहित करने में सहयोग मिला, क्योंकि सभी साइमन कमीशन की कमियों को समझ रहे थे, इसमें भारतीय किसी को नहीं रखा गया है, सभी अंग्रेज हैं और अंग्रेज अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, ये सभी को समझ आ रहा था, इसलिए भारतीय दलों में जो आपसी फूट और मतभेद थे वो इस समय समाप्त हो रहे थे, और सभी ने मिलकर के इस आयोग की कड़ी आलोचना की थी। फिर भी इस आयोग की बहुत सी बातों को 1935 के भारत सरकार अधिनियम में स्वीकार किया गया था। सर शिव स्वामी अय्यर ने तो इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था। फिर भी इस रिपोर्ट के सामने भारतीयों ने, क्योंकि भारतीय इसका विरोध कर रहे थे, INC विरोध कर रही थी, मुस्लिम लीग विरोध कर रही थी, तो उस समय जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन, और भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड, तो लॉर्ड बर्केनहेड ने, क्योंकि ये INC के कार्यकर्ता और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, तो बर्केनहेड ने इन्हें इन्वाइट किया कि आप हमें ऐसा सर्वमान्य संविधान बना करके दें जिसमें कोई विरोध ना करे, सर्वमान्य हो तो हम उसे मानेंगे, ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार करके दें, ऐसा संविधान हमें तैयार करके दें। तब भारतीय कांग्रेस के